नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज एक मैं नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं सिखाऊंगा कि दीवार पे वॉल पेंटिंग कैसे किया जाता है, जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियो में भी बताता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको ये चैनल जरूर ज्वाइन करना चाहिए अगर आप दीवार पे वॉल पेंटिंग करना सीखना चाहते हैं। मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ जिसमें मैं बताता रहता हूँ कि किस टाइप हम दीवार पे ड्राइंग करते हैं और किस तरह से हम उसके ऊपर कलर पेंट करते हैं, कौन कौन से कलर यूज़ करते हैं, कौन कौन से ब्रश यूज़ करते हैं, इसकी सारी नॉलेज मैं इस वीडियो में अपने चैनल पे देता रहता हूँ। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चलता है। चलिए अब शुरू करते हैं दीवार पे पेंटिंग करना और साथ में सिखाने का भी काम करना। बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले चौक ले लेंगे, ये टेलर मार्केट चौक है। मैं अपनी वीडियोस में ये बताता रहता हूँ, आप इस चीज़ को नोट कीजिए। आप चाहो तो कोई भी चौक ले सकते हैं, लेकिन मैं टेलर मार्केट चौक ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। और दूसरा हम एक डिज़ाइन ले लेंगे जो हम बनाने जा रहे हैं। आप चाहो तो उसका प्री प्रिंट ले सकते हो, आप चाहो तो ऐसे मोबाइल पर भी उसको देख सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि दीवार का साइज़ क्या है। जैसे आप देख सकते हो ये दीवार है, यहाँ से लेके करीब करीब यहाँ तक इसका साइज अप्रोक्स है कोई 5 फीट के करीब और हाइट है करीब करीब 7 फीट के करीब। 5x7 की ये दीवार है और हमारा ये डिज़ाइन है आप देख सकते हैं, ये भी अप्रोक्स वैसा ही है। तो हमें लगभग इस तरह का बनाना होता है, 100% मैचिंग कोई बना नहीं सकता, इसलिए हमें कोशिश करनी होती है मैक्सिमम डिज़ाइन को मैच करने की। ये बात का ध्यान रखिए, ठीक है। अभी मैं इसको मैक्सिमम डिज़ाइन को मैच करूँगा। चलिए अभी मैं शुरू करता हूँ ये आर्टवर्क और सबसे पहले हम ड्राइंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे ये वाले पोर्शन को हल्का सा रफ ड्राइंग करना है। रफ मतलब मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि मेरा पावर इतना बड़ा आने वाला है। सबसे पहले हम इसको रफ ड्राइंग कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सन आएगा, यहाँ पे सन फ्लावर आएगा, ठीक है, यहाँ पर उसके रिलीफ है। तो मेरा जो ये वाला पार्ट है जो सन फ्लावर के अंदर का पार्ट होता है डार्क सन, उसको मैं ऐसे रफली ड्राइंग करो। ग्रेट, आप देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे मुझे लगे कि हाँ ये भी सही लग रहा है, ये सही रफ कई बार लगता है बराबर, हम उसको रफ कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। और अभी मैं ये जो चीज़ बना सकता हूँ तो सबसे पहले मैं ये वाला पार्ट, ये वाला दिस, इसको बाद में बनाऊंगा, पहले ये वाला पार्ट बनाऊंगा एक सन। जैसे आपको एक पंखड़ी सही ड्राइंग हो जाती है तो आप बाकी की पंखड़ियों को उसके हिसाब से ही ड्राइंग करते जाइए। कहाँ से वो कर्व हो रही है, कितनी दूरी है, कितनी दूरी से वो कर्व हो रही है, ये सब चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे। आप अपना मेहनत परफेक्ट देंगे तो चीज़ अच्छी बन ही जाएगी, ये मेरी गारंटी है। आपके फोकस में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि ड्राइंग में कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छी ड्राइंग हो रही है। इसका कारण ये भी है कि मुझे इस लाइन में काफ़ी एक्सपीरियंस है, मैं 20 साल से ये लाइन में काम कर रहा हूँ। आपको अगर मेरे बारे में नहीं पता तो आप मेरी वेबसाइट wallpaintingmumbai.in पे जाके देख सकते हैं। आप देखिए जरूर एक बार विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट थी। ओके गाइज, अभी आप देख सकते हैं कि मैंने ड्राइंग फाइनल कर लिया है और मैंने इसको पेंसिल से भी पक्का कर लिया है। आप भी पेंसिल से जरूर पक्का कीजिए, अगर आपको लगे कि हाँ ये ड्राइंग अभी परफेक्ट हो गया है चौक से तो उसको पेंसिल से पक्का कर लीजिए, क्योंकि पेंटिंग करने में कभी कभी एक से ज़्यादा दिन लग जाता है तो ड्राइंग रब ना हो जाए किसी वजह से, इतनी मेहनत से किया हुआ ड्राइंग, तो उसको पेंसिल से पक्का कर लीजिए। उसके बाद हल्के हाथ से कपड़ा मार के सारे चौक को मिटा दीजिए, उसके बाद हम फिल करेंगे इसमें कलर्स। अभी हमें सबसे पहले जो बैक साइड में कलर है, जैसे ये ऑरेंज है, ये येलो है और ये जो ग्रीन, ये वाले कलर हमें पहले फिल कर। ब्लैक का काम हमें सबसे लास्ट में करना है, एक बार बेसिक कलर हो जाएंगे उसको ड्राई होने के बाद हम ब्लैक का काम करेंगे और वो फाइनल हो जाएगी पेंट।
मैंने थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन किए हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब है डिज़ाइन को मैंने ज़्यादा नहीं छेड़ा, एक आधा जो लीव्स है मैंने एक्स्ट्रा बना दिया है बैलेंस करने के लिए। मुझे लग रहा था इसमें थोड़ा सा एक लीफ ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने वो कर दिया। आप भी ऐसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अगर आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप चाहो तो सन है तो उसमें थोड़े से बर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, या बटरफ्लाई कर सकते हैं, फ्लावर है तो बटरफ्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप बढ़िया बनाने के लिए उस चीज़ पर कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ों का आप ध्यान रखें। अभी मैं बेसिक कलर शुरू कर रहा हूँ जो बैक साइड में है, और मैं यूज़ करूँगा एक्रेलिक कलर्स, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि सिर्फ एक्रेलिक कलर ही मैं बेस्ट मानता हूँ वॉल पे पेंटिंग करने के लिए। ओके दोस्तों, मैंने अभी ग्रीन कलर ले लिया है, कप में बना लिया है, पेपर कप में, और मैंने फ्लैट ब्रश लिया है जो लॉन्ग हेयर होता है, लॉन्ग हेयर फ्लैट ब्रश। और मैं सबसे पहले लीव्स पे काम करूँगा जो हमें लीव्स बनाने हैं, और उसके बाद मैं बाकी के फ्लावर और सन में काम करूँगा, ठीक। अभी मैं कलर करना शुरू कर पाऊँ। अभी आप देख सकते हैं कि ग्रीन लीव्स का काम हो गया है। अभी हम ऑरेंज कलर पे काम करेंगे, ये वाला ऑरेंज शेड बनाएंगे। ओके गाइस, उम्मीद है आपने यहाँ तक कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। ड्राइंग किया है, लीव्स में कलर भरा है, और ये सन में कलर भरा है। अभी फ्लावर में थोड़ा सा कलर का काम बाकी है, उसके बाद हम आउटलाइनिंग पे काम करेंगे, डिटेलिंग पे काम करेंगे, ठीक है। आप ज़रूर सीखिए, जब मैं कोई नज़दीक से वीडियो दिखाता हूँ तो आप उसको ध्यान से देखिए कि ब्रश को कैसे घुमाया जाता है। तो पूरा वीडियो देखिए, कहीं स्किप मत कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये पेंटिंग बहुत पसंद आएगी। ओके गाइस, अभी हम देखें तो फ्लावर का जो कलर है वो उसके आउटर साइड में है, आप देखेंगे ओरिजिनल में, ठीक है। हम ऐसा ही कुछ रखेंगे, अच्छा लग रहा है। ओके गाइस, अभी आपने देखा कि हमने वो कलर सारे फिल कर लिए हैं जो डिज़ाइन में थे। अभी खाली काम रह गया है ब्लैक कलर का, जो हमें डिटेलिंग करनी है, या आप कह लीजिए एक लाइन आर्ट करना है, आउटलाइनिंग करनी है, बस वही बाकी रह गया। अभी हम उसी भी शुरू करेंगे, और आप भी ज़रूर सीखिए कि मैं कौन से ब्रश से आउटलाइनिंग कर रहा हूँ, जैसे मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बताता हूँ। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल पर जा सकते हैं, मैं वहाँ पर ये चीज़ें सब सिखाता रहता हूँ, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर भी एक बार जरूर विजिट कीजिए। जो आउटलाइनिंग वाला मेरा फेवरेट ब्रश है, जिसके बारे में मैं बताता रहता हूँ हमेशा, आप ध्यान में रखिए, उसी से मैं आउटलाइनिंग शुरू करूँ। चलिए शुरू करता हूँ फाइनल टच। ओके गाइस, अभी क्या है कि आउटलाइनिंग का ऑलमोस्ट काम हो गया है, थोड़ी बहुत डिटेलिंग है, जैसे इनके बीच में थोड़ी थोड़ी लाइन्स आएगी वो भी बाकी है। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो पोर्शन होता है जो फ्लावर का, उसको मैं ये वाला ब्रश से कर रहा हूँ। ये ख़राब ब्रश है थोड़ा सा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ख़राब ब्रश है, और लेकिन ये ख़राब ब्रश भी बहुत काम आते हैं हमेशा ऐसे काम के लिए। हमें यहाँ पर ऐसे करके लाइक दिस ऐसे ये चीज़ें बनानी है, उसके लिए ये ब्रशेज काम आते हैं, आप समझ रहे हैं। इसलिए जो ब्रश खराब हो जाते हैं, या आपको लगे ये खराब हो गया, इसको पेंटना नहीं है, इसको रख लेना है। ये आर्टिस्टों के खराब ब्रश भी बहुत काम आते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। ओके, अभी मैं ये सारा वाला पोर्शन इसी के साथ टैप टैप करके इसको फिनिश कर दूँगा। ओके, अभी जो बाकी की डिटेलिंग है उस पर काम करेंगे। ओके गाइस, फाइनली पेंटिंग बन गया है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए।
जैसा डिजाइन था हमने काफी हद तक उसको मैच कर दिया है। ओके गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अगर इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।